जालौन में कोच विकासखंड के ग्राम बासोग में रिक्त हुई प्रधानी की सीट के लिए मतगणना समाप्त हो गई और इस सीट पर राजेश कुमार राजपूत ने जीत हासिल की है, जिन्हें रिटर्निंग ऑफिसर ने जीत का प्रमाण पत्र दिया। बता दें कि कोच विकासखंड के ग्राम बसोग में प्रधान की मृत्यु के बाद यह सीट रिक्त हो गई थी। इस सीट पर जिला निर्वाचन अधिकारी ने उपचुनाव की घोषणा की थी। इसके बाद जुलाई को इस सीट पर मतदान हुआ था, जिसमें 6 प्रत्याशी अपने भाग्य का फैसला आजमा रहे। गांव के लिए हम सड़कें डलवाएंगे, पुलिया बनवाएंगे, सफाई व्यवस्था पर ध्यान करेंगे और गांव को जो गल्ला मिलता है उस पर उसकी व्यवस्था देखते हैं, मिट्टी की तिल की व्यवस्था देखेंगे, गांव का पूर्ण रूप से विकास करेंगे। हमारा लक्ष्य सबका साथ और सबका विकास, हर व्यक्ति का विकास करेंगे, जो लक्ष्य के अंतर आता है। गाँव जो अति संवेदनशील में माना जाता है, ये सिस्टम खत्म कराने के लिए, मतलब गाँव एक अच्छे उसमें आ जाए, अच्छे, इसके लिए सर से बात हुई है, वो कह रहे थे वहाँ चौकी बना रहे हैं हम, इससे शराब व्यवस्था है जो और जुआ व्यवस्था है ये सही आ जाएगी, जुआ वो खेलता है। निर्वाचित हुए तो ग्रामवासियों को क्या कहना, क्या संदेश देना चाहते हैं? ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामना देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ ये मेरी जीत नहीं, पूरे गाँव की जीत है, हर व्यक्ति की जीत है। ग्राम प्रधान को निर्वाचित होने के लिए मीडिया की तरफ से भी आपको बधाई। आज बसोब के लिए ग्राम प्रधान हेतु मतगणना हुई, 8 बजे प्रारंभ होगी मतगणना, जिसमें से टोटल 2014 मत डाले गए, जिसमें से 21 मत इनवैलिड हो गए, टोटल 1993 मत ऐसे रखने जो वैलिड थे। इनमें से जो सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हुए राजेश कुमार राजपूत को प्राप्त थे, वो 539 हुए हैं, और दूसरे नंबर पे जो मत प्राप्त हुए हैं 523 वो राजेंद्र कुमार को हुए हैं। इस तरह देखा जाए तो 16 मतों से जीत श्री राजेश कुमार राजपूत ने दर्ज की है। मतगणना शांतिपूर्ण रही, इसमें पुलिस प्रशासन का टीवी 100 के लिए पंकज कुमार पटेल की रिपोर्ट।